नमस्कार, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और पिछले कुछ वीडियोस में मैंने भाव के बारे में जब आपको बताया था तो बहुत से सज्जनों का प्रश्न था कि भाव के कारक कौन से हैं। शायद एक दो वीडियोस में भाव के कारकों के बारे में बताना छूट गया होगा, इसलिए स्पेसिफिकली अभी भावों के कारक, किस भाव का कौन सा ग्रह कारक होता है, इसके संबंध में आज हम वीडियो बना रहे हैं। तो उम्मीद है आपको इस बारे में सही जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहला भाव, ये भाव में भावानुसार ये सबसे पहला भाव होता है, केंद्रीय भाव है, लग्न भाव है। और लग्न का स्वामी सूर्य माना जाता है। सूर्य को शरीर और आत्मा का कारक कहा जाता है, इसीलिए इस प्रथम भाव का कारक सूर्य होता है। कुछ स्थितियों में, कुछ विचारों में जब हम सुख का विचार करते हैं तो साथ साथ चंद्रमा का विचार भी इस भाव से कर लेते हैं, क्योंकि दूसरे नंबर पर जो शरीर को कारक करता है, संभालता है, वो स्थिति चंद्रमा की होती है, इसीलिए चंद्रमा को भी सकारक माना जाता है। लेकिन मूलतः पहले भाव का कारक सूर्य ही होता है। तो ये सबसे पहले पहले भाव का कारक है और यही पहले भाव के कारकत्व को रखता है। दूसरा, अब कारक का विचार कब किया जाए इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, लेकिन पहले एक बार कारकों को समझ लेते हैं। दूसरे भाव का कारक बृहस्पति होता है। बृहस्पति को धन और कुटुंब का कारक माना जाता है, इसलिए द्वितीय भाव जो है वो कुटुंब का है। तो बृहस्पति यहाँ धन और कुटुंब का प्रतिनिधित्व करने के कारण दूसरे भाव का कारक होगा। तीसरे भाव में सहोदर, भाई बहनों का भाव होता है। इसका कारक मंगल होता है और ये भाई बहनों का प्रतिनिधित्व करता है। साथ में साहस का कारक भी मंगल होता है। और तृतीय भाव क्योंकि साहस का है तो मंगल इसका कारक माना जाता है। चौथा भाव मूलतः माता का कारक होता है और मन का कारक होता है, इसीलिए इस भाव का प्रधान कारक जो है वो चंद्रमा होता है। कुछ कुछ विद्वान इस भाव का कारक शनि भी मानते हैं, क्योंकि शनि को क्षेत्राधिपति माना जाता है। लैंड जो होती है उसके बारे में इसको अधिपति माना जाता है, अधिकृत जो संपत्ति होती है उसके लिए। तो इसलिए कुछ लोग शनि को भी चतुर्थ भाव के कारक के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन मूलतः चौथे भाव का कारक जो है वो चंद्रमा होता है। पंचम भाव, क्योंकि विद्या का भाव होता है और संतान का भाव होता है, तो बृहस्पति जहां संतान कारक है वही साथ साथ बृहस्पति ही विद्या का मूल प्रधान, ज्ञान का देवता माना जाता है और देव गुरु भी कहा जाता है। इसीलिए जो गुरु ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, वो पंचम भाव का मूल कारक होता है, क्योंकि यह भाव बुद्धि का है और बुद्धि का कारक बुद्ध कहा जाता है, इसलिए बुद्ध को भी पंचम भाव के सेकेंडरी द्वितीय कारक के रूप में लिया जाता है। बुद्ध गणितीय क्षेत्र में विद्याओं और बुद्धि को प्रभावित करता है, इसलिए बुद्ध को भी यहां पंचम भाव के द्वितीय कारक के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन मूलतः पंचम भाव का कारक बृहस्पति होता है। छठे भाव का शनि और मंगल दोनों ही कारक माने जाते हैं। शनि जहां रोग का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं मंगल शत्रु पर शासन आदि का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस कारण से यहां मंगल और शनि दोनों को ही कारक के रूप में माना जाता है। सप्तम भाव का कारक, अब यहां पुरुष और स्त्री में अलग अलग भेद है। बृहस्पति सौभाग्य का और पति के सुख का, यहां ध्यान रखिए प्रेम का मामला नहीं है, पति के सुख का कारक होता है, सौभाग्य का कारक होता है किसी विवाहिता स्त्री के लिए, इसलिए बृहस्पति को स्त्रियों में सप्तम भाव का कारक माना जाता है, जहां हम वैवाहिक मामले को देखते हैं वहां पर। और शुक्र जो है, शुक्र स्त्री का कारक होता है, प्रेम का कारक होता है, इसीलिए पुरुषों की कुंडली में सप्तम भाव के कारक के रूप में शुक्र को देखना चाहिए। दोनों के लिए अलग अलग यहां कारक हैं, स्त्री के लिए शुक्र सप्तम भाव का कारक है और पुरुष के लिए बृहस्पति। अष्टम भाव का कारक केवल शनि होता है। शनि आयु, दुख, दरिद्रता और मृत्यु का कारक होता है, इसीलिए अष्टम भाव का मूल कारक शनि होता है। नवम भाव भाग्य का भाव है और धर्म का भाव भी है। भाग्य और धर्म दोनों पिता से ही संबंधित होते हैं, इसीलिए
इस भाव के कारक को सूर्य से संबंधित माना जाता है। तो सूर्य को इस भाव का कारक कहा जाता है और बृहस्पति भी इस भाव का कारक रहता है, क्योंकि बृहस्पति मूलतः धर्म होता है। तो गुरु होने के कारण बृहस्पति नवम भाव का कारक है और सूर्य जो है वो भाग्य का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए सूर्य नवम भाव का कारक माना जाता है। तो नवम भाव के सूर्य और गुरु कारक होते हैं। दशम भाव क्योंकि व्यवसाय का भाव है तो इसका प्रधान कारक, कर्म का प्रधान कारक सूर्य होता है, तो सूर्य ही दशम भाव का मूल कारक होता है। फिर दसवां भाव पिता का भाव है, इसलिए क्योंकि पिता के भाव के रूप में दोनों को स्वीकार किया गया है। कुछ आचार्यों को मत है नवम को, कुछ आचार्यों को दशम को, लेकिन कुछ आचार्य दोनों को ही पिता के स्वभाव के रूप में, पिता को देखने के लिए, दोनों भावों को देखने के लिए अलग अलग कारकों की स्थिति में, अलग अलग विचारों के रूप में पिता के संबंध में नवम और दशम दोनों को देखा जाता है। लेकिन प्रधानतः क्योंकि दशम भाव को सूर्य पिता के रूप में, कर्म के रूप में देखते हैं, इसलिए दशम भाव का प्रधान कारक सूर्य है पिता का होने के कारण। लेकिन व्यवसाय अनुसार स्थिति बदल जाती है। एक व्यापारी के लिए बुध प्रधान ग्रह है, अगर बुध ही कुंडली में अशुभ स्थिति में होगा तो व्यापार प्रभावित होगा, इसीलिए बुध जो है दशम भाव का कारक व्यापार की दृष्टि से हो जाता है। कुछ लोगों के लिए शनि हो सकता है, कुछ लोगों के लिए गुरु भी हो सकता है। तो ये स्थान, कार्य की शैली और मूल प्रधान जो आपका कार्य आप कर रहे हैं उन सब को प्रभावित करने वाली स्थिति के अनुसार आपके कारक यहाँ अलग अलग विचारणीय हो सकते हैं। तो विचारणीय कारकों का विचार आप अपने प्रोफेशन के हिसाब से करेंगे, आप अपने काम के हिसाब से करेंगे, लेकिन दशम भाव का जो प्रधान कारक है वो सूर्य है। ग्यारहवां भाव क्योंकि आय का भाव है तो इसीलिए, और दूसरा आपके बड़े भाई बहन का भाव भी है, इसलिए इसका भी प्रधान कारक बृहस्पति यानी कि गुरु है। और बारहवें भाव का जो प्रधान कारक है, बारहवां भाव व्यय का, हानि का, खर्च का कारक है, इसलिए इसका भी प्रधान कारक शनि माना जाता है। तो 6, 8, 12 इनका प्रधान कारक शनि रहेगा, जबकि जितने भी शिक्षा और सुख के भाव हैं, मूल रूप से धन के भाव आप समझिए, तो ये सबका बृहस्पति होगा। विद्या भी धन है इसलिए विद्या का कारक, संतान भी धन ही होता है तो वह भी बृहस्पति का मूल कारक होता है। इसका विचार कब करना है, जब भी आप किसी कुंडली में भाव का फल करते हैं, जैसे कि आप देखना चाह रहे हैं पहले भाव की स्थिति क्या है, पहले भाव में क्या है शरीर, तो शरीर रोगी रहेगा या स्वस्थ रहेगा, शरीर की बनावट कैसी होगी, रूप रंग कैसा होगा, ये अगर विचार करना चाह रहे हैं तो आपको प्रथम भाव में राशि देख लेनी है, या कुछ भी राशि हो सकती है, 4, 5, 6, 7 मान लीजिए कि ये तुला लग्न है तो यहां 7 राशि हो जाएगी, 7वीं राशि हो जाएगी। अब ये 7वीं राशि का स्वामी शुक्र होता है तो आपको सबसे पहले तो भाव की स्थिति देखनी है कि इस भाव में कौन से ग्रह बैठे, भाव स्थिति। दूसरी स्थिति है भावेश की स्थिति, यानी कि इस भाव का स्वामी कहां गया, किस कंडीशन में है, वो शरीर को प्रभावित करेगा। तीसरी, भाव पर दृष्टि, इस भाव को कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं और वो अच्छे हैं, मित्र हैं, शत्रु हैं, ये सब। और चौथी स्थिति जो आपने देखनी होती है वो देखनी होती है इस भाव के कारक ग्रहों की क्या स्थिति है। जैसे कि इसका प्रधान कारक सूर्य है तो आपको देखना है कि सूर्य की स्थिति क्या है कुंडली में, जैसे सूर्य की स्थिति होगी वैसा ही शरीर रहेगा। तो अगर कुंडली में सूर्य नीच है, लग्न कहीं भी सूर्य हो सकता है, आपको वो देखना होगा उसके अनुसार, अगर सूर्य अपनी नीच राशि में तो लग्न में ही हो जाएगा। अब वो अपने कारक भाव में है लेकिन यहां उसको शुभ फल देने की स्थिति में तुला राशि के कारण थोड़ा सा शरीर में सूर्य के अवगुण बढ़ जाएंगे, पर कारक है। अब यहां सूर्य कारक है, सूर्य मान लीजिए कि अष्टम भाव में चला गया है, कारक शत्रु की राशि में होगा क्योंकि अगर तुला लग्न है तो यहां वृष हो जाएंगे, तो स्थिति में सूर्य अष्टम राशि में चला गया, अष्टम स्थान में चला गया, त्रिक भाव में चला गया। 6, 8, 12 त्रिक भाव होते हैं, इनमें ग्रह जाए तो ग्रह को हानि होती है।
सबसे पहले तो वो इन भावों में चला गया। दूसरा, अगर लग्नेश भी कमजोर है, लग्नेश मतलब प्रथम भाव का स्वामी, वह भी कमजोर है, भाव को पाप ग्रह भाव में आकर बैठ गए यहां पर, यहां पर आपका मान लीजिए आपके कि मंगल बैठा है या तो यहां पर आकर राहु बैठ गया है, तो पाप ग्रह आ गए हैं लग्न में। लग्नेश भी कमजोर हो और लग्नेश का कारक ग्रह भी कमजोर हो और लग्न को पाप ग्रहों की दृष्टि हो, तो ऐसी स्थिति में शरीर बहुत अस्वस्थ रहेगा, रोगी रहेगा, रूप रंग सब सामान्य स्थिति हो जाएगी। और दूसरे, अगर मतलब इस तरह से हम एक भाव के सभी कारकों के बारे में विचार कर सकते हैं, चार चीजों को देखना होता है, भाव, भावेश, भाव पर दृष्टि और भाव का कारक जो है उस ग्रह की स्थिति, इन सब का मिश्रण करके यदि आप फल का सामंजस्य बिठा सकते हैं तो ही आप सही फल कर पाएंगे। इसलिए मैंने भाव के कारकों के बारे में आपको बताया। उम्मीद है आप इस कंसेप्ट को ठीक से समझ गए होंगे। अगली वीडियो में हम अगले किसी विषय पर बात करेंगे, तब तक आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।